दोस्तों बहुत ही दुखद विषय है कि पूरे देश में आग लगी हुई है। छात्रों का आंदोलन है अग्निपथ स्कीम के विरोध में, जो गृह मंत्रालय ने 15 जून को जारी की थी सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए। की निष्पक्ष चर्चा करेंगे आज। तो मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के कई रेलवे स्टेशनों को फूंक दिया गया है। पटना जंक्शन के पास के रेलवे स्टेशन को आग लगा दी गई है, कमरों को आग लगा दी गई है, केवल ढांचा खड़ा है। वहाँ से सशस्त्र रेलवे पुलिस को भागना पड़ा है, दमकल गाड़ियाँ भाग रही हैं। 200-300 की तादाद में छात्र वहाँ बहुत हिंसक हो रहे हैं, हाथ में पत्थर लिए हैं, उनके हाथ में हथियार भी हैं और स्थिति बेकाबू होती जा रही है। छात्रों के उग्र हिंसक प्रदर्शन के बावजूद गृह मंत्रालय ने जलती में तेल डालने का काम किया और एक ऐलान किया है। इस अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, उनको 10% तक आरक्षण मिलेगा केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स में और असम राइफल्स की भर्ती में। इतने हिंसक विरोध के बावजूद गृह मंत्रालय ने फिलहाल ये ऐलान किया है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसरी बजा रहा था, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अनदेखा कर रहे हैं। देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा की आँच यूपी, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में, 13 राज्यों में पहुंच चुकी है। टू बी वेरी एग्जैक्ट, सबसे ज़्यादा बवाल बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यह सारा बवाल, यह सारा उग्र प्रदर्शन, विरोध सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना का विरोध अभी भी जारी है। प्रदर्शन की आग बढ़ते बढ़ते दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। इसी मुद्दे पर हल्ला बोल डेविड शो में असदुद्दीन अवैसी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला और अग्निपथ स्कीम पर नए कई सवाल उठाए हैं। इसी बीच ओवैसी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया इस हिंसक उग्र प्रदर्शन के लिए और उन्होंने ये कहा अब तो ना रैंक है ना पेंशन है। दोस्तों दुखद बात यह है कि बिहार में 25 जिलों में शुक्रवार से हिंसा जमकर भड़क रही है, बहुत उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कई ट्रेनों की बोगियों को आग के हवाले कर दिया, कई स्टेशनों को जला दिया गया। अब ये आग कानपुर तक भी पहुंच चुकी है, वहां पे पुलिस चौकी को जलाने की नाकाम कोशिश की गई। मथुरा आदि कई जगह पर बसों में भी तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। उग्रवादियों ने पत्थर अपने हाथ में पकड़े हुए हैं जो देश के बिल्कुल हित में नहीं है। उन लोगों से अपील है कि कृपया हिंसक प्रदर्शन ना करें, सरकार से बात करें। बिहार में तो ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि 500 की टोली में कम से कम 2000 लोग फायरिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, हथियारबंद हैं और वह काबू में किसी प्रकार से आ नहीं पा रहे हैं। कई उपद्रवियों को बिहार के अंदर खास तौर पर हिरासत में भी लिया गया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी हिंसक प्रदर्शन के दौरान गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी निकल चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी, और अपनी माता जी को उन्होंने गांधीनगर में जाकर जन्मदिन की मुबारकबाद दी है, उनसे आशीर्वाद लिया और गुजरात में पावागढ़ के लिए वह 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। दोस्तों अग्निपथ स्कीम क्या है एक्चुअली? दोस्तों असल में अग्निपथ योजना जो है यह सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना ही एकमात्र रास्ता होगा। इस प्रणाली के तहत भर्ती किए गए कर्मियों को अग्निवीर कहा जाना है, जो एक नया सैन्य रैंक होगा। भर्ती के लिए नई योजना की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने कोई श्वेत पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इस योजना पर ना तो संसद में बहस हुई और ना ही रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बहस हुई। 15 जून को इसकी घोषणा से पहले इस योजना के बारे में कोई जानकारी जनता को नहीं दी गई थी। इसे भारत सरकार ने जून 2022 में मंजूरी दी थी और सितंबर 2022 से इसे लागू किया जाएगा। यह योजना
यह योजना लंबे कार्यकाल, पेंशन और अन्य लाभों सहित कई लोगों को दरकिनार कर देगी जो पुरानी व्यवस्था में थे। 16 जून 2022 को योजना की घोषणा के एक दिन बाद भारत के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जहां नई योजना से नाराज लोगों के उम्मीदवारों ने इसे वापस लेने का आह्वान किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 17 जून तक 12 ट्रेनों में आग लगा दी गई और 300 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित कर दी गई। 214 ट्रेनों को बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। 11 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया और 90 को उनके गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, सशस्त्र सेना बलों की भर्ती की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि भारत सरकार ने 2019 के बाद से सेना में 3 साल तक कोई भर्ती नहीं की गई। भारत सरकार ने सेना में भर्ती नहीं होने के लिए भारत में कोविड-19 महामारी का हवाला दिया। इस बीच 50,000 से 60,000 सैनिक सालाना सेना से सेवानिवृत्त होते रहे, जिससे जनशक्ति की कमी हो गई, जिससे सेना की परिचालन क्षमता प्रभावित होने लगी। दोस्तों, अग्निपथ योजना का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि इस अग्निपथ योजना को जून 2022 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे सितंबर 2022 से लागू किया जाएगा। यह योजना 17.5 से 21 साल के आयु वर्ग के पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए है। इस योजना के माध्यम से भर्ती भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए होगी और यह साल में 2 बार होगी। उपलब्ध पद अधिकारी संवर्ग यानी रैंक से नीचे होंगे। अग्निपथ योजना सेना में सेवा देने का एकमात्र मार्ग होगा। इनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर नाम के रंगरूट 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए काम करेंगे, जिसमें 6 महीने का प्रशिक्षण और उसके बाद 3.5 साल की तैनाती शामिल है। सेवा में सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेना में बने रहने के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा और स्थायी संवर्ग के लिए रैंक के लिए 25% अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। किंतु जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होंगे, उन कार्मिकों को भारतीय सेना की पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हर साल भारत सरकार इस योजना के माध्यम से 45,000 से 50,000 कर्मियों की भर्ती करने की योजना बना रही है। दोस्तों, इस योजना का, अग्निपथ योजना का अगर आलोचनात्मक दृष्टि से देखें, अवलोकन करें तो क्या निकल कर आता है, देखिए। सबसे पहला तो इसमें यह है कि यह योजना लंबे कार्यकाल, पेंशन और अन्य लाभों सहित कई चीज़ों को दरकिनार कर देगी जो पुरानी व्यवस्था में थे। इसके अलावा इसका विरोध, उग्र प्रदर्शन जो हो रहा है इसके खिलाफ, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था, बिंदु ये था कि सेना के उम्मीदवार नई योजना के नियमों से नाखुश थे। असंतोष के मुख्य बिंदु सेवा की कम अवधि, जल्दी रिहा होने वालों के लिए कोई पेंशन प्रावधान नहीं थे और 17.5 से 21 वर्ष की आयु प्रतिबंध थे, जिसके कारण कई मौजूदा उम्मीदवारों को भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। इसके अलावा भर्ती के लिए नई योजना की शुरुआत से पहले भारत सरकार ने कोई श्वेत पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। इस योजना पर ना तो संसद में बहस हुई और ना ही रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति में बहस हुई। योजना की घोषणा से पहले इस योजना के बारे में कोई जानकारी जनता को अग्रिम से नहीं दी गई थी। इन मुद्दों पर विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया है और
भारत सरकार में विपक्षी दलों ने इस योजना को स्थगित करने और इस योजना पर संसद में चर्चा करने के लिए कहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी जिसे कहते हैं CPI, ने कहा कि उसने अग्निपथ योजना को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। पेशेवर सशस्त्र बलों को एक अवधि के लिए अनुबंध पर सैनिकों की भर्ती करके नहीं उठाया जा सकता है। 4 साल की पेंशन के लिए पैसे बचाने के लिए यह योजना हमारे पेशेवर सशस्त्र बलों की गुणवत्ता और दक्षता से गंभीर रूप से समझौता करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस योजना को देश के भविष्य के लिए लापरवाह और संभावित रूप से घातक बताया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP प्रमुख ने कहा कि 4 साल की सेना के बाद लौटने वाले लोगों से देश में सामूहिक युद्ध होंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को ना तो देश के हित में और ना ही अपनी सुरक्षा के लिए कहा और इस योजना को वापस लेने की मांग की है। हरियाणा के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा इसके दूरगामी परिणाम हैं और इस योजना को तैयार करते समय इन पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। लंबे समय में नीति का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और भारत सरकार पर आरोप भी लगाया है कि भारत सरकार वेतन, पेंशन, ग्रेचुटी पर पैसा बचाने और सशस्त्र बलों की ताकत को आधा करने के इरादे से देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है। तो जहां तक विरोध प्रदर्शन की बात है, 16 जून 2022 को योजना की घोषणा के एक दिन बाद भारत के कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जहां नई योजना से नाराज सेना के उम्मीदवारों ने इसे वापस लेने का आह्वान किया और बसों और ट्रेनों सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और अभी भी चल रहा है विरोध प्रदर्शन। से 200 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 35 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 13 ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही रोक दिया गया है। 17 जून तक 12 ट्रेनों में आग लगा दी गई और 300 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। 214 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, 11 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया और 90 ट्रेनों को उनका गंतव्य स्थान से पहले ही समाप्त कर दिया गया। तेलंगाना में एक 19 वर्षीय प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये ताज़ा खबर है 17 तारीख तक की। दोस्तों, ये थी जानकारी, बहुत दुखद विषय के साथ मैं दे रहा था संदर्भ में, और ये अग्निपथ योजना के बारे में आलोचना करना आसान है मगर हिंसक और उग्र प्रदर्शन के मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर बहुत खिलाफ हूँ। ट्रेनों में आग लगाना, बसों में आग लगाना, लोगों की जान लेने की कोशिश करना और गुटों में 2-2 हज़ार के गुटों में जाकर पुलिस स्टेशन को आग लगाने की चेष्टा करना और कई स्टेशनों को आग लगा देना और नागरिकों के लिए जान माल का खतरा होना, ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाना है, इसके जिम्मेदार लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होता है, एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था और 13 महीने बाद उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वापस भी लिया था। अगर कोई मांग उचित होगी तो बिल्कुल वापस ली जाएगी। मैं इस बहस में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मांग उचित है या अनुचित है, किंतु प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन हमेशा से ही सर्वदा मैं इसके खिलाफ हूँ। आपके इस बारे में क्या राय है कृपया कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।